नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की रजिस्ट्रार अनु चौधरी शुक्रवार को समिति की टीम के साथ रेप पीड़ित बालिकाओं के गांव पहुंची। हेडमास्टर की दरिंदगी की शिकार नाबालिग बेटियां और उनके परिजनों से बात की। स्कूल स्टाफ, डॉक्टर से लेकर कलेक्टर और एसपी से घटनाक्रम का फीडबैक लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। उधर शिक्षा विभाग ने नाबालिगों के साथ दरिंदगी करने वाले हेडमास्टर को सेवा से टर्मिनेट कर दिया। एनसीपीसीआर की रजिस्ट्रार अनु चौधरी के नेतृत्व में एक टीम शुक्रवार को यहां पहुंची। यहां रेप पीड़ित सभी 8 छात्राओं से एक घर में बंद कमरे में बातचीत की। बेटियों ने हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा की करतूतों के बारे में खुलकर बताया। दुष्कर्म पीड़ित बालिकाओं के माता पिता से भी बंद कमरे में ही बात करते हुए उनकी समस्याएं भी पूछी। माता पिता ने हेडमास्टर के हरकतों के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ का शक भी जताया। इस पर रजिस्ट्रार ने मामले में पूरी सही जांच करते हुए सख्त कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे उसी स्कूल में पहुंची जहां हेडमास्टर ने नाबालिग छात्राओं से दरिंदगी की। परिजनों ने बताया कि हेडमास्टर का कमरा पीछे की तरफ है, जबकि वह छात्राओं को आगे के कमरे में अकेले ले जाता था। वहीं स्कूल में टॉयलेट के हालात देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने स्कूल की वीडियोग्राफी भी की। इसके बाद भी टीम के साथ डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंची। आयोग की टीम ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ से बंद कमरे में हेडमास्टर के हरकतों से लेकर कई सवाल जवाब किए। वहीं स्कूल में छुट्टियों के बाद भी सिर्फ छात्राओं को खेलने के लिए बुलाने, स्कूल के दूसरे स्टाफ के नहीं आने, पीटीआई होते हुए भी हेडमास्टर की ओर से खेल करवाने जैसी हरकतों को गंभीर माना है। इसके बाद मेडिकल टीम को बुलाया गया। छात्राओं के एक जैसी मेडिकल रिपोर्ट और एक में कांट छांट पर नाराजगी जताई। वहीं बच्चियों के साथ हुई घटना की सही रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जांच अधिकारी, एसपी, कलेक्टर से भी बातचीत करते हुए पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग स्कूली छात्राओं के साथ हुई घटना बहुत निंदनीय है। घटना को लेकर कई पहलुओं पर अभी जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। नाबालिगों के साथ दरिंदगी करने वाले हेडमास्टर को शिक्षा विभाग ने सेवा से टर्मिनेट कर दिया है। स्कूल शिक्षा उदयपुर के संयुक्त निदेशक पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से की गई जांच में हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा की ओर से स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके बाद टर्मिनेट करने के आदेश दिए। इससे पहले 31 मई को हेडमास्टर के खिलाफ केस दर्ज होते ही शिक्षा विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया था।